हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कांतारा तो कांतारा फिल्म का जो हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये जो वर्जनस है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है इस फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा कर के देने वाला हूँ साथ में इस फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के ऊपर एक डीप में रिव्यू होने वाला है इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट टीम के ऊपर भी हम बातचीत करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं कांता राजो दो हज़ार बाईस इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय ने जिन्होंने जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी

एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्नीश लोकनाथ का म्यूजिक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड के दर प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बिट्टो शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद सेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमीनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी कि के मा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज बोलार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबल्सन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुंबाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डेल ने इस फिल्म में डेमी गोड इंटरप्रिटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई कैमियोपीरियंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रगति ऋषभ सेट्टी जो ऋषभ सेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीडाप्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की डेवलपमेंट हुई थी करीबन कोविड से पहले के आसपास पे इस फिल्म की जो थीम है पे ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक परफेक्ट एंगल देते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहानी को क्रिएट किया हुआ था जहां पे इसमें एक फॉरेस्ट का एंगल डाला हुआ था दूसरी तरफ उन्होंने इस फिल्म में एक डेमी कोड वाला एंगल भी डाला हुआ था जहां पे दोनों एंगल को उन्होंने मर्ज कर दिया जहां पे जो फॉरेस्ट वाला एंगल था जो सिनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन में केराड़ी होमटाउन है वहाँ पर उनके होमटाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किया हुआ जैसे कि डेमी वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है जो तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तो तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड तो वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन दो हज़ार में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो इसका मीनिंग है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और का ये में में से एक टेक फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एट्टी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज़ और नाइन्टीन नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज ज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म वो बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे ये मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफ़ी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टी सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली 2022 आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको रिषभ शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस uh, करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस uh, की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्ज़न जैसे कि तमिल तेलुगू मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूज़िक के ही पास है जहाँ पर अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया व रिस्तम पांचवा गाना था वाह परुलैया और छठा गाना था वाह परुलैया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, 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 किस्मत जो वाहरा रूपम और वाहपरुल्या करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पांच गानों को ही रखा हुआ था वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइनटीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते जहाँ पे उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज वाला ऑफ़र लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमी गोड जिस तरह से उनको कहते कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खून की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में 1990s आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का नहीं उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म में कंप्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्सन में जिस तरह से उनकी डायलैक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहां पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहां पे एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आप आपका अच्छा खासा गुजरेगा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए है वो आपका टेंशन पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशन को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पे देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऋषभ सेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है ऋषभ सेट्टी और सप्तमी गौड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहाँ पर भी वो काफी बढ़िया नज़र आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रेस्टिक और रो मैनर में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमेक्स है वो तो काफ़ी क्रेज़ी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्सन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप अप हो जाते तो फिल्म फेय और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन 10-15 मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड को रजनीशलोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड को जिस तरह से जो एक फिल्म का बिग बोर्न ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बी ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फिल्म काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है है। उन्होंने फर्स्ट हाफ को जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ था फिल्म के सेकंडमैक्स से और प्री क्लाइमेक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विजन है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफी एप्रिशल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन क्रिटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे गुस्सा मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफी प्लस पॉइंट है स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नड़ा वर्जन का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफी शानदार रहा था करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में का रहा था और इन सभी को देखते हुए रिलीज किया गया तब ना के बराबर स्क्रीन मिले थे लेकिन फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा ले गया जहां पे पहले वीक में पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया दूसरे वीक में करीब सोलह करोड़ सत्रह लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में करीबन 20 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन 18 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से 70 बहत्तर करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ वीक से करके निकाला हुआ था इसका करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा इससे फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पे इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन 20 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकला हुआ है तो सभी वर्जन में फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सोलह करोड़ के बजट के सामने साठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी दो की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने

तेलुगु कन्नडा वर्जन में स्टार सुर के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटेलाइट और ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे कांतारा जो 2022 के इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने हुई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय ने जिन्होंने जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहा इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक शेट्टी ने संभाला हुआ है जहां पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बी एदनीश लोकनाथ का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए हैं अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड के दर प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बेट्टू शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमिनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंजमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की वाय थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज वोल्लार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबल सन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुम्बाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बोंडेल ने इस फिल्म

एक परफेक्ट एंगल देते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहानी को क्रिएट किया हुआ था जहां पे इसमें एक फॉरेस्ट का एंगल डाला हुआ था दूसरी तरफ उन्होंने इस फिल्म में एक डेमी गोड वाला एंगल भी डाला हुआ था जहां पे दोनों एंगल को उन्होंने मर्ज कर दिया जहां पे जो फॉरेस्ट वाला एंगल था जो सीनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन में केराड़ी होम टाउन है वहां पर उनके होम टाउन में कर्नाटक में ये सभी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे एड किया जैसे कि डेमी गोड वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के जो uh, तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तो तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट कर जो उसका मीनिंग ही है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और का ये में में से एक टेक फिल्म में रहने वाली थी। बाद में लीजेंड वाली टेक रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट किए हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एट्टी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टीन नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ फिल्म बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहां पे काफी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था वैसे ही मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टीन सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली 2022 आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको सब शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस uh, करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूज़िक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिंगारे दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिस्तम पांचवा गाना था वाह परुलइया और छठा गाना था वाह परुलइया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ है तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, ले, किस्मत जो वाहरा रूपम और वाह करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन नाइनटीन सेवनटीज और नाइनटीन नाइनटीज तीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन फोर्टी सेवन से स्टार्ट होती है एक गांव है जहाँ पे वो गांव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पर उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज वाला ऑफर लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली हो वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें पे खत्म जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमिगोड जिस तरह से उनको कहते हैं कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में 1990s आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में ये जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहां पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पर जो इस जगह का मालिक है लैंड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में कम्प्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो हम अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्शन में जिस तरह तो उनके डायलेक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफ़ी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहाँ पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पर रिशभ सेट्टी और उनकी गेंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रेक देखने को मिलता है और सप्समी गोड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहां पे भी वो काफी बढ़िया नजर आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफी इम्पोर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में, में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमेक्स है वो तो काफ़ी रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ़ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्शन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप अप हो जाते फिल्म फेयर और बेहतरीन हो जाती आसानी से फिल्म करीबन 10-15 मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड स्कोर रजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से जो एक फिल्म का बैकबोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट आपको जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट नेरे किया हुआ था फिल्म के सेकंड में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स और को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विजन है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक के एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफी एफ्रीसीबल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन ग्रिटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार का इसकी परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नड़ा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्सिल किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलगु वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नड़ा वर्जन का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफी शानदार

करीबन बीस करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से सत्तर बहत्तर करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका ग्रोस करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पर इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन 20 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन 10 करोड़ के आसपास काफी सोलह करोड़ से कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉकबुस्टर फिल्म साबित हुई थी दो की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है अब बात करेंटेलाइट ओ टी टी राइड्स की तो फिल्म के, 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 के अमेजन प्राइम के पास है। इसके हिंदी वर्जन के जो सेटेलाइट राइट्स है सोनी मैक्स एच डी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पेलु कनाडा वर्जन में स्टार सुवर्णा के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का

इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीजें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंग दूर ने जिन्होंने के जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अदनीश लोकनाथ का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बिट्टो शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद सेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमीनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में का रोल प्ले किया हुआ है स्वराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की इब थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज बोलार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबलसन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्ण कुंबाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डे ने इस फिल्म में डेमी गोड इंटरप्रिटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई कैमियो कैमियापीरियंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रगति ऋषभ शेट्टी जो ऋषभ शेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीड़प्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था

सिनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन में केराड़ी होमटाउन है वहाँ पर उनके होमटाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किया हुआ जैसे कि डेमी वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है जो तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तो तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड तो वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में रिषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो उसका मीनिंग है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और का ये में में से एक टेक फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस्ट फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एट्टी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टीन नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज ज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म वो बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे ये मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफ़ी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टी सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी टू आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको रिषभ शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूजिक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिरिए दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिश्तम पांचवा गाना था वाह परुलइया और छठा गाना था वाह परुलइया तुल्लू वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ तुल्लू वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा किस्मत जो वाहरा रूपम और वापुर करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था तुल वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइनटीन तीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पर उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज एक वाला ऑफ़र लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरे जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमी गोड जिस तरह से उनको कहते कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खून की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में नाइन्टीन आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का उन उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीजें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड लोड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है रिशाभ सेट्टी ने इस से फिल्म में कंप्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्सन में जिस तरह से उनकी डायलैक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है 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 पे पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती स्क्रीन प्ले काफी फटाफट के साथ मूव होता रहता है। लेकिन वहाँ पे एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आप आपका अच्छा खासा गुजरेगा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए है वो आपका टेंशन पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशन को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पे देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऋषभ सेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है ऋषभ सेट्टी और सप्समी गौड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहाँ पर भी वो काफी बढ़िया नज़र आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रेस्टिक और रो मैनर में, में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमैक्स है वो तो काफ़ी क्रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्सन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप अप हो जाते तो फिल्म फेयर और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन 10-15 मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड उसको रजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको वो दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से जो एक फिल्म का बिग बोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट हाफ को जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ था फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विज़न है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफ़ी एप्रिशल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन क्रिटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नाडा वर्जन का वो करीबन 22 से 25 करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफ़ी शानदार रहा था करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में पहले वीक का रहा था और इन सभी चीजों को देखते हुए रिलीज किया गया तब ना के बराबर स्क्रीन मिले थे लेकिन फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा ले गया जहां पे पहले वीक में फिल्म ने पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया दूसरे वीक में करीबन सोलह करोड़ सत्रह लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में करीबन 20 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन 18 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से से 70 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने 50 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पे इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन 20 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकला हुआ है तो सभी वर्जन में फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पंद्रह सोलह करोड़ के बजट के सामने तीन करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते ये फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी दो की जहां पर इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है अब बात करें सेटेलाइट ओ टी टी की तो फिल्म के जो मलयालम सॉरी फिल्म के जो कन्डा वर्जन के सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार सुवर्णा ने खरीदे हुए हैं वहीं पे ओ टी टी राइड्स है तमिल तेलुगू कन्डा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है इसके अलावा हिंदी डब वर्जन के जो सेटेलाइट राइट्स है वो सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच वालों ने खरीदे हुए हैं तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे तेलुगु कन्नडा वर्जन में स्टार सुर वर्ना के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलगू मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एन्जॉय कर सकते हो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंग दूर ने जिन्होंने के जैसी फिल्मों को डीरे प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड कि दर प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बेट्टू शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमीनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो सीवा के कजिन थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की वाय थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज बोलार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबल सन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुम्बाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डेल ने इस फिल्म में डेमी गोड इंटरप्रिटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई कैमियोपीरियंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रगति ऋषभ शेट्टी जो ऋषभ शेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीडप्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था था, तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए इस फिल्म की डेवलपमेंट हुई थी करीबन कोविड से पहले के आसपास पे पे इस फिल्म की जो जो थीम है है ह्यूमन और नेचर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उसको एक परफेक्ट एंगल देते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहानी को क्रिएट किया हुआ था जहां पे इसमें एक फॉरेस्ट का एंगल डाला हुआ था दूसरी तरफ उन्होंने इस फिल्म में एक डेमी गोड वाला एंगल भी डाला हुआ था जहां पे दोनों एंगल को उन्होंने मर्ज कर दिया जहां पे जो फॉरेस्ट वाला एंगल था जो सिनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन नाइन्टीज़ में केराड़ी होमटाउन है वहाँ पे उनके होमटाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किए हुए जैसे कि डेमिगोड़ वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है जो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में रिषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पे फिल्म का टाइटल पहले से ही कंतारा था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो इसका मीनिंग है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और लीजेंट ये दो में से एक टेक लाइन फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक लाइन रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एटी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टी नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म वो बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे ये मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफ़ी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टीन सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली 2022 आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको आप सब शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्ज़न जैसे कि तमिल तेलुगू मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूज़िक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पर वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिंगारे दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया व रिश्तम पाँचवा गाना था वाह परुलैया और छठा गाना था वाह परुलैया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पाँच गानों को क्रिएट किया हुआ है तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले ले किस्मत जो वाहरा रूपम और वाह करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था तुल वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइन्टीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पे उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज वाला ऑफर लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ से उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीज़ें वहां पे ख़त्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से गोड जिस तरह से उनको कहते हैं कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खून की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में 1990s आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है उसके बेटे का नहीं उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीजन है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में ये जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है रिशाभ सेट्टी ने इस फिल्म में कम्प्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो हम अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से साइन हुए वहीं पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्शन में जिस तरह तो उनके डायलेक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहाँ पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशन को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे रिशभ सेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है और सप्समी गोड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहां पे भी वो काफी बढ़िया नजर आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमैक्स है वो तो काफ़ी रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ़ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू तो खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्शन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप अप हो जाते फिल्म फेयर और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन दस पंद्रह मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड को रजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड को जिस तरह से जो एक का फिल्म का बैकबोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलती है हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट जिस तरह से इंटरेस्टिंग में किया हुआ था फिल्म के सेकंड आप में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमेक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विजन है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक के एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफ़ी एप्रिशियेबल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन ग्रीटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार का इसके परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स सभी चीजें फिल्म में एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस देगी तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था जिसको आईएमडीबी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज़ किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया इस वजह से डे बाई डे फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन तीन चार का ग्रोस किया था करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफी शानदार रहा था करीबन चालीस से पचास करोड़ के बीच में पहला वीक का ग्रोस कलेक्शन रहा था और इन सभी चीजों को देखते बाद में फिल्म को अलग अलग में डब किया गया और सभी वर्जन में फिल्म ने धमाका मचा है। हिंदी ने जिस तरह से डे बाई डे ग्रोथ किया गया जहां पे पहले वीक में इस फिल्म ने पंद्रह करोड़ का, का कलेक्शन किया दूसरे वीक में करीबन सोलह करोड़ सत्रह लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में करीबन बीस करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से सत्तर बहत्तर करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका ग्रोस करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पर फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन बीस करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन दस करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकला हुआ है तो सभी वर्जन में फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सोलह करोड़ के बजट के सामने तीन करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते ये फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी दो की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है अब बात करें सैटेलाइट ओटीटी राइट्स की तो फिल्म के जो मलयालम सॉरी फिल्म के जो कन्नड वर्जन के सैटेलाइट राइट से वो स्टार सुवर्णा ने खरीदे हुए वहीं पे ओटीटी राइट से तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी के 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 प्राइम वीडियो के पास है है इसके अलावा हिंदी के जो सैटेलाइट राइट वो सोनी सोनी मैक्स और एच डी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे कनाडा वर्जन में स्टार स्टारणा के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पर अमेजोन के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो तो कांतारा जो 2022 के इंडियन कनाडा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंगदूर ने जिन्होंने के जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पर इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज़ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तो तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था <coughs> गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी का टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक शेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अदनीश लोकनाथ का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बिट्टो शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद सेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमीनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है स्वराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज वोल्लार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबलसन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुम्बाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बोंडेल ने इस फिल्म में डेमी गोड प्रेटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई भी देखने को मिलते हैं जहां पे प्रगति ऋषभ सेट्टी जो ऋषभ सेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीडप्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म की डेवलपमेंट हुई थी करीबन कोविड से पहले के आसपास जहाँ पे इस फिल्म की जो थीम है जहाँ पे ह्यूमन और नेचर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक एक परफेक्ट एंगल देते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहानी को क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इसमें एक फॉरेस्ट का एंगल डाला हुआ था दूसरी तरफ उन्होंने इस फिल्म में एक डेमी गोड वाला एंगल भी डाला हुआ था जहां पे दोनों एंगल को उन्होंने मर्ज कर दिया जहाँ पे जो फॉरेस्ट वाला एंगल था जो सीनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन में केराड़ी होम टाउन है वहां पर उनके होम टाउन में कर्नाटक में ये सभी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे एड किया हुए जैसे कि डेमी गोड वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के जो uh, तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में रिषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो उसका मीनिंग है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और का ये, ये दो में से एक टेक लाइन फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट किए हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस्ट फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एट्टी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज़ और नाइनटीन नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ फिल्म बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहां पे काफी सारे पर्सन को मिला के फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था वैसे ही मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टी सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी टू आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको रिषभ शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूजिक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिरिए दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिश्तम पांचवा गाना था वाह परुलइया और छठा गाना था वाह परुलइया तुल्लू वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ तुल्लू वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, किस्मत जो वाहरा रूपम और वापुर करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइनटीन तीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पर उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज वाला ऑफ़र लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमिगोड जिस तरह से उनको कहते कि आप मर जाओगे को अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खून की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में नाइनटीन आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का नहीं उन उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है रिशाभ सेट्टी ने इस फिल्म में कम्पलीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो हम अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्सन में जिस तरह उनके डायलेक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफ़ी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहाँ पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आपका अच्छा खासा गुजरे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए वो आपका पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिश्व शेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है और सप्तमी गोड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहाँ पे भी वो काफी बढ़िया नजर आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमेक्स है वो तो काफ़ी जी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेज के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्सन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप चॉपअप हो जाते थे फिल्म फेयर और बेहतरीन हो जाती आसानी से फिल्म करीबन 10-15 मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड स्कोर रजनीश श्लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से जो एक फिल्म का बिग बोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट हाफ को जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ था फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स और प्री क्लाइमैक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विज़न है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफ़ी एप्रिशल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन क्रिटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नाडा वर्जन का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफ़ी शानदार रहा था करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में का रहा था और इन सभी चीजों को देखते हुए रिलीज किया गया तब ना के बराबर स्क्रीन मिले थे लेकिन फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा ले गया जहां पे पहले वीक में फिल्म ने पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया दूसरे वीक में करीबन सोलह करोड़ सत्रह लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में करीबन 20 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन 18 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से से 70 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ वीक करके निकाला हुआ था इसका ग्रोस करोड़ के आसपास का, का होता होगा तो इससे फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पे इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन 20 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकला हुआ है तो सभी वर्जन में फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पंद्रह सोलह करोड़ के बजट के सामने तीन करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते ये फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉकबुस्टर फिल्म साबित हुई थी दो की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने

जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटेलाइट और ओ के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे कांता जो दो के इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नडा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय किरंग दूर ने जिन्होंने के जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पे इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने किए हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी एदनीश लोकनाथ का म्यूजिक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड के दर प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बेट्टू शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमिनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी सेवा के माँ का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है स्वराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो शिवा के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की वाइफ थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज बोलार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबलसन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुम्बाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डेल ने इस फिल्म में डेमी गोड इंटरप्रिटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई कैमियोपीरियंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रगति ऋषभ शेट्टी जो ऋषभ शेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीडप्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था

सीनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन नाइन्टीज़ में केराड़ी होम टाउन है वहाँ पे उनके होम टाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किए हुए जैसे कि डेमी गोड वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है, जो तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तो तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट कर जो उसका मीनिंग ही है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और का ये में में से एक टेक फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक लाइन रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एटी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टी नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म वो बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे ये मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफ़ी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइनटीन सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली 2022 आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको सब शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस uh, करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु, मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूज़िक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिंगारे दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिस्तम पांचवा गाना था वाह परुलैया और छठा गाना था वाह परुलैया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ है तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, 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 किस्मत जो वाहरा रूपम और वाहपरुल् करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन नाइनटीन सेवनटीज और नाइनटीन नाइनटीज तीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन फोर्टी सेवन से स्टार्ट होती है एक गांव है जहाँ पे वो गांव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं जहाँ पर उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज एक वाला ऑफर लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली हुआ, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमिगोड जिस तरह से उनको कहते हैं कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में 1990s आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में ये जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड लोड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीजें फिल्म की कहानी बनाती है ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म में कंप्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक ख़तरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्सन में जिस तरह उनके उनकी डायलैक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहां पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आप आपका अच्छा खासा गुजरेगा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका अटेंशन पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशन को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पे देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नज़र आती है फिल्म में कई फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऋषभ शेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फ़नी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहाँ पर भी वो काफ़ी बढ़िया नज़र आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में, में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमेक्स है वो तो काफ़ी रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ़ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्शन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप ऑप हो जाते फिल्म फिर और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन दस पंद्रह मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड को रजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड को जिस तरह से जो एक का फिल्म का बैकबोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट आपको जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट नेरे किया हुआ था फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमैक्स और क्लाइमेक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विजन है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक के एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफी एफ्रीसीबल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन ग्रीटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे गुस्म मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार का इसकी परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नड़ा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्सिल किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलगू वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नड़ा वर्जन का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफी शानदार

करीबन बीस करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन अट्ठारह करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से सत्तर बहत्तर करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका ग्रोस करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पर इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन बीस करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन दस करोड़ के आसपास का तो काफी अच्छा सोलह करोड़, के के करोड़ से कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉकबुस्टर फिल्म साबित हुई थी दो की जहाँ पे इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने

तेल कनाडा वर्जन में स्टार सुर के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नाडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटेलाइट और ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे कांता राजो दो हज़ार इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेज में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन ये सभी चीज़ें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने की हुई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय ने जिन्होंने जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहां पर इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ये फॉर मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तो तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेस है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने की हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहां पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बी एदनीश लोकनाथ का म्यूज़िक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए हैं अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बिट्टो शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद सेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को का रोल दिया गया था प्रकाश तुमीनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है स्वराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंचमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावसे ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की इब थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज बोलार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबलसन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्ण कुंबाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डे ने इस फिल्म में डेमी गोड इंटरप्रिटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में कई कैमियो कैमियापीरियंस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्रगति ऋषभ शेट्टी जो ऋषभ शेट्टी की वाइफ है उन्होंने इस फिल्म में किंग की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था विनय बीड़प्पा ने इस फिल्म में किंग का रोल प्ले किया हुआ है साइन शेट्टी को इस फिल्म में देवेंद्र के फादर का रोल दिया गया था

सिनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन में केराड़ी होमटाउन है वहाँ पर उनके होमटाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किया हुआ जैसे कि डेमी वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है जो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में रिषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो उसका मीनिंग है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और लीजेंड एक टेक लाइन फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस्ट फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एट्टी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टीन नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ फिल्म बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहां पे काफी सारे पर्सन को मिला के फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था वैसे ही मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइन्टी सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी टू आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको रिषभ शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूजिक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिरिए दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिश्तम पांचवा गाना था वाह परुलइया और छठा गाना था वाह परुलइया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल तो तो पांच गानों को क्रिएट किया हुआ है तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, ले, किस्मत जो वाहरा रूपम और वापुर करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पांच गानों को ही रखा हुआ था वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइनटीन तीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पर उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज वाला ऑफ़र लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमी गोड जिस तरह से उनको कहते हैं कि आप मर जाओगे को अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खुन की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में नाइनटीन नाइन्टीज़ आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का नहीं उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न और साथ ही में उस गांव में काफी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीजन है साथ ही में जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड लोड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है ऋषभ सेट्टी ने इस से फिल्म में कंप्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशन डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पे क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्सन में जिस तरह उनके डायलेक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफ़ी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहाँ पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आपका अच्छा खासा गुजरे प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए है वो आपका टेंशन पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशंस को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिश्व शेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रैक देखने को मिलता है और सप्तमी गोड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहाँ पे भी वो काफी बढ़िया नजर आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में, में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमैक्स है वो तो काफ़ी क्रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था निरेशन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्सन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रिडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप अप हो जाते फिल्म फेयर और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन 10-15 मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड उसको रजनी शलोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड को जिस तरह से जो एक फिल्म का बेकबोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजेम ने ले गया है तो वो आपको जरूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको रिश्व से का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट हाफ को जिस तरह से इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट नेरे किया हुआ था फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमेक्स और प्री क्लाइमैक्स को सेट किए हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विज़न है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक के एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफ़ी एप्रिशल है ओन होल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन क्रिटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शोक हो जाओगे फिल्म में कई सारे कुछ मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स है सभी चीज़ें फिल्म में एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस देगी तो इस को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था जिसको आई के ऊपर काफी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया इस वजह से डे बाय डे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीबन तीन चार करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन किया था उसके बाद में फिल्म ने करीबन सॉरी नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में फिल्म ने दूसरे दिन और बेहतर वे में कलेक्शन किया और जो फर्स्ट वीकेंड था कन्नाडा वर्जन का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफ़ी शानदार रहा था करीबन 40 से 50 करोड़ के बीच में पहले वीक का रहा था और इन सभी चीजों को देखते हुए रिलीज किया गया तब ना के बराबर स्क्रीन मिले थे लेकिन फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा ले गया जहां पे पहले वीक में फिल्म ने पंद्रह करोड़ का कलेक्शन किया दूसरे वीक में करीबन सोलह करोड़ सत्रह लाख का सत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया तीसरे वीक में करीबन 20 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था चौथे वीक में करीबन 18 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन था इस तरह से से 70 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन तो में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तो तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पे इस फिल्म ने मलयालम वर्जन

तेलुगु कन्नडा वर्जन में स्टार सुर के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलगू मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटेलाइट और ओ के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे कांतारा जो 2022 के इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को पहले मेनली कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन बाद में जिस तरह से इस फिल्म ने मार्केट में बस क्रिएट किया उसके चलते बाद में इस फिल्म को दूसरी सभी लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी तमिल मलयालम तेलुगु इन सभी लैंग्वेजेस में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया जिसके चलते ये फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिकग्नाइजेशन हासिल की हुई है और पेन इंडिया लेवल के ऊपर इस फिल्म ने काफी बड़ी सक्सेस हासिल की हुई है फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन और डायरेक्शन ये सभी चीजें फिल्म के डायरेक्टर राइटर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने किए हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है विजय ने जिन्होंने जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया हुआ है तो उन्होंने इस फिल्म को करीबन मीडियम बजट सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था होम्बाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे जहाँ पर इस फिल्म को उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हुआ था वहीं पे इस फिल्म के हिंदी वर्जन को ए फॉर मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था और तेलुगु जो वर्जन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था गीता आर्ट्स ने मलयालम वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके द्वारा इस फिल्म को अलग अलग बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की दूसरी टेक्निकल टीम के ऊपर जैसे कि सिनेमेटोग्राफी अरविंद एस कश्यप ने किए हुई है एडिटिंग का कमान के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने संभाला हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म आपको दो घंटे तीस मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अदनीश लोकनाथ का म्यूजिक सुनने को मिलेगा जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के साउंड ट्रैक के जो राइट्स है वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म से मिलकर रखे हुए अपने पास अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के स्टार कास्ट के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी देखने को मिलेंगे आपको लीड के दर प्ले करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काड़ू बेट्टू शिवा यानी कि शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और शिवा के फादर का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया हुआ था उनके अपोजिट सप्तमी गौड़ा को कास्ट किया हुआ है जिन्होंने लीला का किरदार प्ले किया हुआ है किशोर जो आपको मुरलीधर के रोल में दिखाई देंगे जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वहीं पैच्युत कुमार ने देवेंद्र सुत्तारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी को सुधाकर का रोल दिया गया था सानिल गुरु को दुणारिये दुणारिये का रोल दिया गया था प्रकाश तुमिनान को रामपा का रोल दिया गया था मानसी सुधीर को इस फिल्म में कमला यानी की सेवा का रोल दिया हुआ था नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लॉयर का रोल प्ले किया हुआ है शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ है जो के कजिन ब्रदर थे दीपक राय पांजाले ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ है प्रदीप शेट्टी को मोहना का रोल दिया गया था रक्षित रामचंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के हेंजमेन का रोल प्ले किया हुआ था चंद्रकला रावस ने इस फिल्म में शिला का रोल प्ले किया हुआ है जो सुंदरा की वाय थी वहीं पे सुकन्या ने अम्मा का रोल प्ले किया हुआ है जिसने देवेंद्र की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था इसके अलावा सतीश आचार्य आपको इस फिल्म में तबारा के रोल में दिखाई देंगे जो लीला के फादर थे पुष्पक राज वोल्लार ने इस फिल्म में गरनाल अब्बू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु पांडेश्वर ने इस फिल्म में रघु यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया हुआ है इसके अलावा मीम रामदास ने इस फिल्म में नारू का रोल प्ले किया हुआ था बासुमा कोडागो ने इस फिल्म में गुरुआ के फादर का रोल प्ले किया हुआ है रंजन साजू ने लच्छू का रोल प्ले किया हुआ है राजीव शेट्टी ने राजीव भंडेरी का रोल प्ले किया हुआ था आतिश शेट्टी ने इस फिल्म में देवेंद्र के स्पेशल एबल सन का रोल प्ले किया हुआ है राधा कृष्णा कुम्बाले ने इस फिल्म में नेटिव रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ था नवीन बॉन्डेल ने इस फिल्म

एक परफेक्ट एंगल देते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहानी को क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे इसमें एक फॉरेस्ट का एंगल डाला हुआ था दूसरी तरफ उन्होंने इस फिल्म में एक डेमी गोड वाला एंगल भी डाला हुआ था जहाँ पे दोनों एंगल को उन्होंने मर्ज कर दिया जहाँ पे जो फॉरेस्ट वाला एंगल था जो सिनारियों देखने को मिलता है वो ऑलरेडी नाइनटीन नाइन्टीज़ में केराड़ी होमटाउन है वहाँ पे उनके होमटाउन में कर्नाटक में ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर उन्होंने कहानी को डेवलप किया हुआ था लेकिन उसमें उन्होंने दूसरे एलिमेंट जैसे ऐड किया हुए, जैसे कि डेमी वाला एलिमेंट एक लव एंगल ऐसा थोड़ा बहुत एंगल ऐड करते हुए कहानी को उन्होंने डेवलप किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी जो कर्नाटक के है जो तो तुल्लु कल्चर है उससे डीपली रूटेड रखी गई है जिस तरह से उन सभी चीज़ों को डेवलप किया हुआ है वो हाईली तुल्लु कल्चर को डीपली रूटेड वे में दिखाई गई है इसके अलावा इस फिल्म में रिषभ शेट्टी ने जिस तरह से स्टोरी को डेवलप किया हुआ था उसको करीबन 2021-20 में उन्होंने ये सभी चीज़ें क्रिएट की हुई थी जहाँ पर फिल्म का टाइटल पहले से ही कंता था लेकिन उसके साथ में मिस्ट्री फॉरेस्ट करके जो उसका मीनिंग ही है मिस्ट्री फॉरेस्ट उसको साथ में जोड़ा गया था जहाँ पे दांता कंथे और लीजेंड ये दो में से एक टेक लाइन फिल्म में रहने वाली थी बाद में लीजेंड वाली टेक लाइन रखी गई थी जहाँ पे इस फिल्म को एक डायरेक्ट टाइटल कंतारा दिया गया था इसके अलावा ये फिल्म की जो कहानी है वो संस्कृत ओरिजिन और कन्नाडा ओरिजिन से मिला के कंप्लीट की हुई थी वहीं पे इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो भी वही ओरिजिन से ही उठाए हुए हैं इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी सारे मिस्टेरियस फॉरेस्ट यानी कि कंतारा के रिगार्डिंग काफ़ी वे काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहानी डेवलप की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग के ऊपर काम किया गया था कास्टिंग के बाद जहाँ पे इस फिल्म में एटी फोर्टी सेवन नाइन्टी सेवेंटीज और नाइन्टी नाइन्टीज ऐसे तीन टाइम लाइन के ऊपर शूट किया हुआ है तो इस वजह से फिल्म के अलग अलग सेट क्रिएट किए गए थे जहाँ पे एक प्रॉपर एंटायर विलेज क्रिएट किया हुआ था जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिगार्डिंग जिस तरह से सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है फिल्म वो बढ़िया था और इन सभी चीज़ों को क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सनस को मिला के फिल्म की शूटिंग को कम्प्लीट करवाया हुआ था वैसे ये मीडियम बजट लो बजट फिल्म थी लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से विजुअल्स निकाले हुए वो काफ़ी बदमदार था इस फिल्म के जो सेट है जहाँ पे नाइन्टी नाइन्टीज के नाइनटीन सेवेंटीज़ के जो सेट क्रिएट किए उसमें थोड़ा टाइम लगा हुआ था जिस वजह से फिल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने में करीबन अर्ली 2022 आ चुका था यानी कि जनवरी के महीने तक फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करवाया हुआ था फिल्म में करीबन एक आपको सब शेट्टी एक काव वाला सॉरी बफेला वाला एक सीक्वेंस uh, करते हुए नजर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने करीबन वो परफॉर्मेंस के लिए चार महीने तैयारी की हुई थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कन्विंस मैनर में दिखाने के लिए कितनी मदद करने के लिए कितनी सारी एक प्रैक्टिस की हुई थी इसके अलावा इस हार्डवर्क के अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें टोटल छः गाने इन सभी गानों को सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु, मलयालम हिंदी कन्नड़ा सभी वर्जन में क्रिएट किया हुआ है और इन गानों को 2021-22 में रिकॉर्ड किया गया था गानों के राइट्स होम वाले म्यूज़िक के ही पास है जहाँ पे अट्ठारह अक्टूबर दो को इनको यूट्यूब पे वीडियो डियो डियो फॉर्मेट में अवेलेबल किया हुआ था पहला गाना था सिंगारा सिंगारे दूसरा गाना था रिबेल सॉन्ग तीसरा गाना था कर्मा सॉन्ग चौथा गाना था रूपम देवैया वाह रिस्तम पांचवा गाना था वाह परुलैया और छठा गाना था वाह परुलैया तुल्लु वर्जन वहीं पे हिंदी में टोटल पांच गानों को क्रिएट किया हुआ है तुल्लु वर्जन को निकाल दिया था तो हिंदी वर्जन में ख्वाबों में ले 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 लेगा ले, 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 किस्मत जो वाहरा रूपम और वाहपरुल् करके ये टोटल पाँच गाने रखे हुए थे और दूसरे सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम उसमें चार और पाँच गानों को ही रखा हुआ था तुल्वल वर्जन था उसको हटा दिया था अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी है वो जैसे कि मैंने कहा कि एट्टी फोर्टी सेवन और नाइन्टीन एरा में दिखाई हुई है जहाँ पे कहानी एटीन से स्टार्ट होती है एक गाँव है जहाँ पे वो गाँव कर्नाटक में आया हुआ है कुंदरपुर विलेज नाम है उसका लोग वहाँ के जो राजा है वो उतने खुश नहीं है उनके पास सभी चीज़ें पैसा है संपत्ति है एक अच्छी फैमिली है लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो पीस नहीं है तो उसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते है जहाँ पे उनको एक ऐसा जंगल के आसपास का एरिया दिखता है जहाँ पे उनको जो पीस चाहिए था जो शांति चाहिए थी वो फाइनली मिल जाती है तो वो उस गाँव के लोगों के साथ एक एक्सचेंज एक वाला ऑफर लाते एक ऐसी चीज़ें उनसे बातचीत करते कि वो पूरा जो फॉरेस्ट का लैंड है उनको दे देंगे लेकिन उसके जगह पर जिस चीज़ से उनको पीस मिला हुआ शांति मिली है, वो उनको देना पड़ेगा तो ये सभी चीजें वहां पे खत्म हो जाती है बाद में दिखाया जाता है नाइनटीन सेवनटीज जहाँ पे इस राजा का जो वंशज है वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आया हुआ है जहाँ पे डेमी का जो एक पावर है वो आपको पहली बार देखने को मिलेगा जिस तरह से वो बात करता है जिस तरह से उसका एक एटीट्यूड रहता है तो उन सभी चीज़ों की वजह से डेमिगोड जिस तरह से उनको कहते हैं कि आप मर जाओगे अदालत की सीढ़ियों पे ही मरोगे तो उस तरह से वो खून की उल्टी करके मर जाते उसके बाद में 1990s आता है जहाँ पे जो मरा हुआ था वंशज उसका बेटा है या उसके बेटे का उसका ही बेटा है जो उसी गांव में रहता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन दिखाया गया है जहाँ पे वो रोल अच्युत कुमार प्ले कर रहे थे लेकिन उसके पीछे क्या एक रीज़न है और साथ ही में उस गांव में काफ़ी सारे मौत हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है साथ ही में ये जो शिवा है वो नाइनटीन के समय का एक बंदा है जो एक ईजी गोइंग गाय है किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है लेकिन गांव के ऊपर कोई बात आए कुछ ऐसी चीज़ें आए अपने अपनों के ऊपर तो वहाँ पे वो पूरी तरह से खड़ा रहता है तो बाकी की कहानी यही है कि जो गांव के विलेजर्स है वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इन जगह को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वहीं पे जो इस जगह का मालिक है लैंड लोड है जिस राजा के वंशज है वो अब हटते आना चाहते हैं तो ये सभी बीच में विलेजर्स किस तरह से अपना पक्ष रख पाते ये जगह को बचा पाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है रिशाफ सेट्टी ने इस फिल्म में कम्प्लीटली एक टेरिफिक परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार में एक इमोशंस डाले हुए थे वो परफेक्ट था थ्रू आउट द फिल्म वो हम अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हंसाने में भी कामयाब रहे जिस जगह पे एक सीरियस पोर्सन आता है वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरह से साइन हुए वहीं पर क्लाइमेक्स में जिस तरह से उन्होंने एक खतरनाक परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए उसमें जो एक फाइट सीक्वेंस था उसकी कोरियोग्राफी क्लाइमेक्स पोर्शन में जिस तरह तो उनके डायलेक्ट डिलीवरी सुनने को मिलती है उनकी बॉडी लैंग्वेज सभी चीज़ें फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पे ले जाती है ऐसा क्लाइमेक्स शायद आपने इससे पहले कोई फिल्मों में देखा होगा इसके अलावा इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो प्रॉपर वे में एंगेजिंग है जहाँ पे अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है स्क्रीन प्ले काफ़ी फटाफट रेपिड स्पेस के साथ मूव होता रहता है लेकिन वहाँ पर एक भी स्लो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ आपका अच्छा खासा प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म की काफी बढ़िया है जहां पे जिस तरह से विजुअल्स क्रिएट किए हुए हैं वो आपका टेंशन पूरी तरह से खींच के रखते हैं गांव के लोकेशन को अच्छी तरह से दिखाया हुआ है मीडियम बजट लो बजट होने के बावजूद फिल्म को जिस तरह से तैयार किया हुआ है स्क्रीन पर देखने को मिलती है वो सभी चीजें काफी परफेक्ट नजर आती है फिल्म में कई फनी सीन्स देखने को मिलते हैं जहां पे रिशभ सेट्टी और उनकी गैंग के बीच में जो फनी सीन्स क्रिएट किए हुए वो आपका दिल जीत लेंगे फिल्म में लव ट्रेक देखने को मिलता है और सप्समी गोड़ा के बीच में जिसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने अपना काम किया हुआ है वहां पे भी वो काफी बढ़िया नजर आई है और इसके साथ में अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका फिल्म में जो फिल्म की कहानी है उसमें काफी इंपॉर्टेंट किरदार था जहाँ पे वो परफेक्ट वे में जचे हुए फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से सॉलिड वे में कोरियोग्राफ किया हुआ था जिस तरह से उसको कैमरा वर्क के साथ दिखाया हुआ है वो सभी चीज़ें बढ़िया थी फिल्म की जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसको काफ़ी रिस्टिक और रो मैनर में, में क्रिएट किया हुआ है जिस वजह से सभी चीज़ों को रो मैनर में शोकेस किया हुआ था जो देखने में अच्छा नज़र आता है इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आसानी से घुसबम क्रिएट हो जाती है और ये फिल्म खास करके मास ऑडियंस को ज़रूर पसंद आने वाली है और फिल्म का क्लाइमेक्स है वो तो काफ़ी रेजी वे में क्रिएट किया हुआ है इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में रेसी पेस के साथ दिखाया हुआ था डिलइटफुली क्रिएट किया हुआ था उसके बाद पोस्ट इंटरवल के सीन के बाद फिल्म थोड़ी डल हो जाती है उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी बेफालतू खींचा हुआ था मेरेसन थोड़ा वहाँ पर क्रिस्प किया जा सकता था साथ ही में जो स्क्रीन प्ले सेकंड हाफ़ में स्टार्टिंग में थोड़ा सुधारा जा सकता था फिल्म के जो प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स पोर्शन है वहाँ पे फिल्म जिस तरह से पिकअप लेती है वो काफ़ी शानदार था लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती है जिस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है वो थोड़ा बेटर वे में किया जा सकता था उसको थोड़ा और एंगेजिंग बनाया जाता था इसके अलावा फिल्म में काफ़ी सारे प्रडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद वो थोड़ी बेटर होती जो एक दो फ्लो है वो चॉप ऑप हो जाते तो फिल्म फिर और बेहतरीन हो जाते आसानी से फिल्म करीबन दस पंद्रह मिनट जितनी छोटी हो सकती थी जिस वजह से फिल्म काफ़ी क्रिस्प और एंगेजिंग लगती ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी बनी हुई है जहाँ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट है क्योंकि पंद्रह करोड़ के बजट में जिस तरह से फिल्म को क्रिएट किया हुआ है वो अव्वल दर्जे का है बैकग्राउंड को रजनीश लोकनाथ ने जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो आपको वो दिल आपका दिल जीत लेंगे बैकग्राउंड स्कोर जिस तरह से जो एक फिल्म का बेकबोन ही माना जाएगा क्योंकि जिस तरह से कई सीन्स को एक अलग लेवल पे इस बीजे ने ले गया है तो वो आपको ज़रूर पसंद आएगा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया है ये फिल्म किसी बिग बजट फिल्म को आसानी से टक्कर दे सकती है इस टाइप के विजुअल्स देखने को मिलते हैं हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट की हुई थी रस्टिक नेचर को जिस तरह से कैमरा मैन ने शोकेस किया हुआ है वो फिल्म को और बेहतर बनाता है फॉरेस्ट के लोकेशन विलेज ये सभी जगह पर काफ़ी रियलिस्टिक फीलिंग आती है आपको ऋषभ सेट्टी का डायरेक्शन काफ़ी डिसेंट वे में क्रिएट किया हुआ है उन्होंने फर्स्ट हाफ को जिस तरह से इंटरेस्टिंग manera में नेरेट किया हुआ था फिल्म के सेकंड हाफ में जिस तरह से वो क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स को सेट किए हुए उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी इस फिल्म के जो विजन है जो जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को कर्नाटक एरिया को पोर्ट्रे इसमें दिखाया हुआ है वो काफ़ी एप्रिशियबल है ओन एल कांतारा एक रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जिसकी नरेशन ग्रीटी मैनर में, में की गई है फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग मैनर में, में दिखाया हुआ है प्री क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स और एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था वो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है जहाँ पे आप आसानी से शौक हो जाओगे फिल्म में कई सारे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं फिल्म में है हाँ थोड़े बहुत प्रिडिक्टेबल सीन है लेंथी रन टाइम है लेकिन इसके अलावा बाकी सारे काफ़ी प्लस पॉइंट है स्टार स्टारकास्ट की परफॉर्मेंसेस है विजुअल्स सभी चीजें फिल्म में एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस देगी तो इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए अब हम बात करें रिलीज के ऊपर तो कांतारा फिल्म को थिएटर में 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था जिसको आईएमडीबी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन वोट मिले हुए पैंसठ हजार वोट मिले हुए जिसमें 9.1 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से हाईली पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म को पहले सिर्फ कन्नडा में रिलीज़ किया गया था लेकिन उसके बाद में तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था फिल्म ने जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया इस वजह से डे बाई डे फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कलेक्शन किया हुआ था फिल्म को जब सिर्फ पहले तेलुगु वर्जन सॉरी कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था तो पहले दिन करीब का, का वो करीबन बाईस से पच्चीस करोड़ के आसपास का निकल के आया हुआ था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने किस तरह से पिकअप लिया होगा और जो पहला वीक था तो वो तो काफी शानदार रहा था करीबन चालीस से पचास करोड़ के बीच में पहला वीक का ग्रोस कलेक्शन रहा था और इन सभी चीजों को

नेट कलेक्शन था इस तरह से सत्तर बहत्तर करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन फिल्म ने सिर्फ चार वीक से करके निकाला हुआ था इसका ग्रोस करीबन अस्सी करोड़ के आसपास का होता होगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हिंदी वर्जन में भी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसी तरह से तमिल मलयालम तेलुगु सभी वर्जन में फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था तेलुगु स्टेट से भी करीबन इस फिल्म ने पचास करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था वहीं पर इस फिल्म ने मलयालम वर्जन से भी करीबन बीस करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन निकाला था तमिल वर्जन में करीबन दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ निकला हुआ है तो सभी वर्जन में फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड सोलह करोड़ के बजट के सामने तीन करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी के चलते ये फिल्म मार्केट में एक सबसे बड़ी डबल ब्लॉक फिल्म साबित हुई थी दो की जहां पर इस फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हुए थर्ड वीक फोर्थ वीक के लिए तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है अब बात करें सैटेलाइट ओटीटी राइट्स की तो फिल्म के जो मलयालम सॉरी फिल्म के जो कन्नड वर्जन के सैटेलाइट राइट से वो स्टार सुवर्णा ने खरीदे हुए वहीं पे ओटीटी राइट से तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी के 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 प्राइम वीडियो के पास है है इसके अलावा हिंदी डब जो सैटेलाइट राइट वो सोनी और सोनी मैक्स मैक्स और डी वालों ने खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको टेलीविजन पे कनाडा वर्जन में स्टार सुवर्णा के टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा वहीं पे अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर आप इस फिल्म को कन्नडा मेन वर्जन के साथ साथ हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम डब्ड वर्जन में ऑफिशियली इंग्लिश ऑफिसियब टाइटल इंजॉय कर सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटेलाइट और ओटीटी के ऊपर कर पाओगे तो बस गाय इस फिल्म के रिगार्डिंग इतनी ही अपडेट थी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहां पर मैंने इस फिल्म के रिगार्डिंग सभी प्रोडक्शन की डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हुए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिस देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू